कि पाकिस्तान के जो कमिश्नर लियाकत चटा चंद दिन पहले पागल थे, वो चंद दिन गायब रहने के बाद जो है बिना किसी पैसा रुपया खर्च किए किसी हॉस्पिटल में रहे, वो बिल्कुल ठीक सेहतियाब होकर आ गए हैं। और उन्होंने जो अपनी पहली स्टेटमेंट दी थी उससे मुनहरफ करते हुए उन्होंने कहा है कि मेरे से जोर जबरदस्ती जो है वो स्टेटमेंट ली गई थी या मैं किसी के बहकावे में आ गया था। तो चले, पाकिस्तान ने इस मामले में एक तरक्की कर ली है कि हम एक शख्स को बिना पैसे खर्च किए बिना डॉक्टरों को दिखाए भी उसके पागलपन का इलाज कर लेते हैं। मेरे ख्याल से जो पागल खाने में कैद लोग हैं उनको भी उसी जगह पे भेजें जहां 2-3 दिन आप रह के आए और बिल्कुल ठीक हो जाए। अब दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तान में तमाशा ही हो रहा है कि पहले आप खुद एक शख्स को पागल डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद उस शख्स को लाते हैं अपनी मर्जी की स्टेटमेंट दिलवा देते हैं और कहते हैं आप ये शख्स बिल्कुल ठीक है, अब इसकी बात पे यकीन करें, अब ये शख्स कोई इसको पागल नहीं कह सकता क्योंकि ये हमारे हक में स्टेटमेंट दे रहा है। पाकिस्तान में इदारों को मजाक बना दिया गया है, जोर जबरदस्ती किसी को भी उठा लो और उससे अपनी मनमर्जी की स्टेटमेंट दिलवा लो, किसी भी दुनिया की कोर्ट की, कोई भी दुनिया की कोर्ट हो, वहां पर काबिले कबूल नहीं होता। एक शख्स जिसने पहले अपनी फ्री विल से एक स्टेटमेंट दी थी वो फिर भी लेजिटिमाइट की जा सकती थी, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको उठा लिया गया वो खुद आके नहीं देता, उसकी एक स्टेटमेंट जारी कर दी जाती है। तो अगर वो स्टेटमेंट पहले गलत थी तो मैं अब कैसे इस वाली स्टेटमेंट को दुरुस्त मान लूं। अब दूसरी एक बात कि एक पीडीएम की गवर्नमेंट जो बनी है ये वही गवर्नमेंट है जिसने पिछले 16 माह में पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की थी और ये पाकिस्तान को कोई भी ऐसा काम डिलीवर करने में मिजरेबली फेल हुई थी। और ये सिर्फ एक दो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, पाकिस्तान का तमाम ब्रेन, जो पाकिस्तान के तमाम ऐसे लोग जो दावेदार थे कि हम पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं, हम पाकिस्तान को हर मुश्किल से निकाल के और ऊपर ले जा सकते हैं, उस हुकूमत में शामिल रहे थे। और अब वही तमाम ब्रेन जो है वो इस हुकूमत का भी हिस्सा बनने जा रहा है। तो अब मुझे तनकीद करना वाजिब इसलिए भी हो गया है कि जो ये हुकूमत पहले कुछ नहीं कर सकी, जानबूझ के इन्होंने IMF के साथ मुआहदा करने में डिले किया, इनके अपने लोगों ने कहा, मुफ्ता इस्माइल का, शायद खाकान अब्बासी का स्टेटमेंट सुन ले, पीपल्स पार्टी का उस वक्त का स्टेटमेंट सुन ले, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करने जा रहा था, इन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत को लंबा करने के लिए, टाइम पूरा करने के लिए जानबूझ के डिले किया IMF के साथ मुआहदा करने के लिए। तो मैं कैसे अब इन पे यकीन कर लूं कि अब ये कुछ दोबारा अपनी हुकूमत अपने इक्तदार के लिए पाकिस्तान के बुनियादों को हिलाएंगे नहीं, कैसे ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे इनकी इनका इक्तदार तो महफूज हो लेकिन पाकिस्तान गैर महफूज हो। तो लिहाजा सवालात इनकी कारकर्दगी इनके अपने कामों की वजह से उठ रहे हैं, हम पाकिस्तान को नेगेटिव नहीं कर रहे हैं। इन जो लोग हम पे मुसल्लत हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मैंडेट किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोगों को राइट मिल जाता है कि वो हुकूमत में आ गए हैं तो वो जो मर्जी करें पाकिस्तान के साथ, हमें सिर्फ हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े होना है।